जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्जुन नगर मिनी गार्डन कैंप वन में खेल महोत्सव का आयोजन कराया गया था। तो हमारे बीच छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट ब्रदर अमानुल्लाह भाई और भिलाई यूनिट के प्रेसिडेंट इमरान अजीज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ सवालात करना चाहता हूं इस प्रोग्राम के सिलसिले से। पहले तो मैं इमरान भाई से सवाल करना चाहता हूं कि जो ये ऑर्गेनाइज मतलब कराए हो, ये आइडिया कहां से आया आपको कराने का, और इसका पर्पस क्या है आपका प्रोग्राम का, खेल महोत्सव का प्रोग्राम का क्या पर्पस है, ये आपसे मैं जानना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बदर शेख का, जो कि उन्होंने इस तरीके से अपनी बात रखी कि इस ऑर्गेनाइज का मकसद क्या है और हम एक मैसेज जो समाज में देना चाहते हैं वो क्या है। सबसे पहली बात तो ये जो आइडिया है जो खेल महोत्सव, इसका हमने थीम दी है बच्चों को जो विकास होना चाहिए और उनका जो टैलेंट उभर के आना चाहिए समाज में, कि समाज में ऐसे जो छात्र जो नौजवान है उन्हीं के टैलेंट पे एक समाज अच्छा समाज बनता है, जो एक ऐसा ही को मिशन भी है। उसी के तहत हमने ये प्रोग्राम एक आइडिया सोचे हैं कि एक खेल महोत्सव के नाम से थीम किए हैं, जिसमें पहला प्रोग्राम हमने अभी क्रिकेट का सोचे हैं और बाकी और भी हम सोच रहे हैं स्पोर्ट्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए तो ये है कि बच्चों का टोटल विकास हो, उनका मनोरंजन हो और जो भी उनकी स्किल है उनको हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि समाज में एक अच्छे छात्र बन के, साथ ही पढ़ाई का भी के लिए भी और छात्रों का जो ये खेल मनोरंजन के हिसाब से भी उनका टैलेंट उभर कर समाज में आए। तो इसी के साथ हमने ये छोटा सा एक प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किए हैं, बाकी और भी आगे लगातार करें। मैं इसी के साथ इमरान अजीज का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी बात रखी। अब मैं छत्तीसगढ़ स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट ब्रदर अमानुल्लाह से कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो खेल महोत्सव रखा गया था आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, क्योंकि आप मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं और आप बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं, भविष्य में क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चे किस मतलब किस राह पर जाएं? बिस्मिल्लाह, ब्रदर साहब का शुक्रिया। जो खेल उत्सव अभी हुआ अलहमदिल्ला, तो मेरे को मतलब ऐसा उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा रहेगा, बच्चे लोग में इतना खुशी का एक माहौल बना था, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगी। नौजवान में ऐसी बच्चे में देख रहे हैं कि अभी जैसे लोग गेम में पड़े हैं, घर में गेम खेलना और बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये सब खेल के माध्यम से वो बाहर आएंगे, खेलेंगे, एक अलग अलग समाज से जो बच्चे लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर का एक साथ जब मिलते हैं, आपस में ताल्लुकात भी बढ़ते हैं, एक बेहतर समाज भी बनते हैं। और हम चाहते हैं कि समाज का पुनर्निर्माण हो, एक बेहतरीन समाज बने। तो बेहतरीन समाज बनने के लिए ये जो बच्चे हैं ये लोग ही समझेंगे आपस में भेदभाव छोड़ के एक साथ खेलना और उनके अंदर एक मनोरंजन होना, तो ये सब के लिए मतलब हम ऐसे ही चाहते कि हों। और बच्चे लोग जो लोग से मिले वो लोग बहुत खुशी हुए, वो लोग भी बहुत अच्छा लगा, चाहते कि और बहुत जन तो बात ऐसी करते कि और कब होगा। हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में हमारा और भी जहाँ जहाँ यूनिट है हम ऐसा और फुटबॉल हो, क्रिकेट, और भी नया खेल सामने लाएँ ताकि बच्चे लोग का भी मतलब उसका स्किल डेवलप हो। जज़ाकअल्लाह। ये थे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ब्रदर अमानुल्लाह भाई। और मैं प्रोग्राम का अख्ताम करते वक्त कोऑर्डिनेटर ब्रदर जुल्कर नैन, ब्रदर सुफियान और केशव पवन और अन्य जितने भी सदस्य थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया, तो उनका शुक्र अदा करता हूँ। वाकुफ दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा नाम नमन कुमार पोद्दार है, मैं स्पार्क टीम का विनिंग स्पार्क टीम का लीड कैप्टन हूँ और ये हमारे सुफियान भाई ने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, इस ट्रेनिंग से ही हम सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच जीत पाए और इन्होंने हमें बताया कि हमें बहुत डिसिप्लिन में रहना है और आगे ये मैच और लेवल का होना चाहिए, हमारी भिलाई स्पोर्ट SIO टीम आगे जाके ये बहुत अच्छे मुकाम पर हासिल करेगी और हमें गर्व होगा कि हमने इसमें खेला था। और थैंक यू SIO टीम के कि हमें इसमें खेल महोत्सव में इस
शामिल होने का मौका मिला। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख सुफियान है, मैं SIO भिलाई यूनिट का मेंबर हूं और स्पार्क किंग्स का मेंटर रहा हूं। और हमने ये सोचा है कि जब प्रोग्राम किया जाए खेल कूद के, यानी कि विषय पर हम यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ करें आगे चल करके, तब यानी कि सारे लोगों का ये हक है कि उस चीज़ पर पार्टिसिपेट करें। और जिस तरह से मैं बताया हूँ कि मैं किंग्स स्पार्क किंग्स का मेंटर रहा हूँ, तो हमने यानी कि इन पूरे टीम्स वाले को डिसिप्लिन में रखा इन दिनों, और उसके बाद उन पर काम किया, और फिर उसी लगन से फिर टीम ने आगे बढ़ करके खेल में भाग लिया और उससे उसमें विजय हासिल की। और आगे चल करके भी SIO भिलाई यूनिट का कहना है कि इसे बड़े स्तरों पर किया जाएगा, और इन सब भाइयों से यानी कि हमारी इल्तिजा है कि ये ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहे हर प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह खैर।